तुम्हें हमें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया बेटा। हम यहाँ सिर्फ ये बताने आए हैं कि हमें इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। दामोदर भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, एक छोटी सी गलतफहमी है जो बैठ के दूर की जा सकती है। आप तो जानते हैं ना पिया को, पिया कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। आपने और पिया के पापा ने ही तो ये रिश्ता तय किया था, और मुझे पूरा भरोसा है पिया अपने पापा के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। जमाना बदल गया है गीता बहन, आजकल के बच्चे अपने फैसला खुद लेते हैं, उनकी जिंदगी हमारे लिए फैसलों के मोहताज नहीं है। नहीं नहीं निर्मला बहन, ऐसी बात मत करिए। आप मेहरबानी करके रिश्ता तोड़ने की बात मत करिए। शादी से पहले इतना सब कुछ हो रहा है, ना जाने शादी के बाद क्या क्या होगा। क्या मतलब निर्मला बहन, ये आप कैसी बात बोल रही है? अरे क्या बातें हो गई है, मेरे पिया ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। हिमेश तुम ही समझाओ ना अपने मम्मी पापा को। नहीं गीता मासी, जब तक पिया के मन में मेरे बारे में संदेह है तब तक मैं ये शादी नहीं करूंगा। और रही बात सगाई की अंगूठी की, तो मेरे ख्याल से अब मुझे ये अंगूठी वापस कर देनी चाहिए तुझे। नहीं नहीं हिमेश बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये अंगूठी तो माँ, माँ माँ क्या हुआ? माँ माँ प्लीज आंखें खोलिए, माँ मेरी तरफ देखिए। माँ क्या हो गया माँ को? ये तो कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया। मैंने तो ये सब कबीर को बस्ती से निकलवाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ तो लेकर पानी लेकर आ जल्दी। माँ गीता मासी, माँ पिया। हिमेश बेटा जा जल्दी से टैक्सी लेके आ, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ पापा। माँ कुछ नहीं होगा आपको, माँ माँ आंखें खोलिए। माँ माँ टैक्सी आ गई पापा, चलो जल्दी चलो। हिमेश बेटा तू जल्दी से इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा, हम लोग दूसरी टैक्सी पकड़ कर आते। निर्मला बहन ये गीता बहन को क्या हो गया? अचानक छाती में दर्द हुआ और चक्कर खा के गिर गई। छाती में दर्द, लेकिन अचानक कैसे? आसार तो हार्ट अटैक के ही लग रहे हैं गंगा मासी। चलो जल्दी चलो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो कभी, प्लीज यहां से चले जाओ। हे भाई तू यहां बैठा है? अरे एक बात बता यार, तू कहां गायब हो जाता है? मेरी आंख में आंसू, क्या बात क्या कबीर? देख भाई कबीर, जब मैं तेरी उम्र का था ना तब मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, अकेला हूं मैं, ये सारा बोझ मुझे अकेले उठाना होगा। लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता गया मुझे ये एहसास हुआ कि अपने दिल की बात किसी को बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, मुश्किलें अपने आप दूर हो जाती है। समझ रहा है तू? बता बात क्या? क्या बताऊं उससे, जैसे आज जिंदगी में अकेला महसूस कर रहा हूं। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जो मुझसे प्यार करते हैं उसे मैंने मुंह फेर लिया। जिस प्यार की वजह से मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए ना, मुझे तोड़ दे। लगा भाई, मुझे लगा था कि ये नक्की प्यार व्यार का ही मामला है,
मुझे मुझे गम ये नहीं है कि वो मेरी नहीं हो सकती। मुझे तकलीफ इस बात से हो रही है कि वो जिसकी होने जा रही है वो एक सही इंसान नहीं है। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते देख रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। तुझे यकीन है कि जो तू कह रहा है वो सही है? हाँ मिस्टर देसाई, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है अपनी बात को साबित करने का। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। धीरे धीरे ना मेरी हिम्मत टूटती जा रही, और मैं भी। नहीं 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 कबीर, ऐसा नहीं कहते। एक लाख रुपए की बात बोलूं, जब तक हार नहीं जाओ ना, हार नहीं माननी चाहिए। ये किस्मत बहुत अजीब चीज होती है, कब किस वक्त पलट जाए कोई नहीं कह सकता है। तू जानता है रात सबसे ज्यादा काली कब होती? सुबह होने से ठीक पहले। अक्सर इंसान रात में उजाला तलाश करते करते निराश हो जाता है, और ठीक उसी समय जब सुबह होने वाली होती है पीठ फेर के हार मान लेता है। लेकिन दोस्त, जो इंसान उस सबसे अंधेरे पल में रात का सामना करता है, सूरज की पहली किरण उसका नसीब उजागर करती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी का हर पल थमसा गए। तेरे आंसू कह रहे कि तू उससे सच्चा प्यार करता है। लड़की जो भी है बहुत नसीब वाली है कि उसे तुझ जैसा प्यार करने वाला मिला। नसीब ही तो साथ नहीं दे रहा मिस्टर देसाई। अरे नसीब उसका साथ देता है जो अपना साथ खुद देता है। मुझे लगता है कि तू हालात के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए ठोकरें खा रहा है। एक बार हालात को चलाकर देख अपने हिसाब से, कामयाबी तेरे कदम चूमेगी, तेरी जीत। मैं बोलता हूं, रमाकांत देसाई बोलता है। समझ रहा है ना तू? देसाई सर। तू अभी आ रहा है दुकान बंद करने के वक्त, कहां रह गया था? वो मैं पहले ही आ जाता, लेकिन वो पांचवी गली वाली गीता बेन है ना, उनको हार्ट अटैक आ गया अचानक, तो वहीं था आपका। किसकी बात कर रहे हैं आप? गीता बेन पटेल की। कहां है वो? उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गए। कबीर, मासी को कुछ हो गया ना तो सारा दोष मुझ पर आ जाएगा, फिर तो बात उल्टी हो जाएगी। यार ये कबीर का पत्ता काटने के चक्कर में कहीं मेरा ही पत्ता ना कट जाए। पिया, पिया, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हुआ है। ये बात तेरी और मेरे बीच की थी, मैं खामखा मम्मी पापा और गीता मासी को इस मामले के बीच में ले आया। मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। नहीं हिमेश, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने तुझे ये सब करने को मजबूर किया। आज मेरी माँ का जो हाल है ना, उसका जिम्मेदार तू नहीं है। कबीर कबीर, प्रिया कैसे हैं गीता काकी? या मैं अब यहाँ क्या लेने आया हूँ कबीर? तुम्हारी वजह से गीता मासी को हार्ट अटैक आया है, अब क्या उनकी जान लेकर मानोगे? मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने ही मेरे और पिया के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। अरे मुझ पर बार बार गलत गलत इल्जाम लगा रहे थे, और यही बातें हो रही थी जब जब गीता मासी को दिल का दौरा पड़ा। ओ, इसका मतलब तूने पिया के घर जाके नाटक किया, तेरी वजह से गीता काकी को हार्ट अटैक आया, और तू मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है? हाँ, क्योंकि तुम हो जिम्मेदार इस चीज के। अरे पिया को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश किसने की? तुमने। उसको मेरे पीछे पीछे टैक्सी स्टैंड तक कौन लेकर आया? तुम। अरे उसके और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश किसने की? तुमने की, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरी और पिया की शादी हो। और यही कारण है कबीर
यही कारण है कि गीता मासी आज इस हाल में है। चिल्ला मत हिमेश, समझा ना, चिल्लाने से तेरा झूठ सच नहीं बन जाएगा। मुझे नहीं पता कि तू पिया के साथ क्या खेल खेल रहा है, लेकिन एक बात सुन ले, तुझे तेरे इन इरादों में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। समझा? अच्छा, क्या करेगा तू, ये बता ने, क्या करेगा? अरे गरीब हॉस्पिटल नहीं होता ने, तो मैं तुझे दिखाता कि हिमेश जरीवाला क्या चीज है। क्या दिखाना चाहता है? दिखा। देख कबीर, इधर तमाशा मत कर, ये हॉस्पिटल है, तुझे तो मैं बाहर देखू, ऐसे गायब करवाऊंगा ने बस्ती से, याद रखेगा। तू मुझे गायब करेगा? तू, अबे तू है कौन? कौन है तू? कबीर छोड़ो इसे, कबीर छोड़ो इसे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? वहां मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और तुम यहाँ ये सब? यप। प्लीज कबीर, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दोस्ती, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। हिमेश सही कह रहा है, आज मेरी माँ का जो हाल है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो कबीर, सिर्फ तुम हो। प्लीज कबीर, मेहरबानी करो मुझ पर और चले जाओ मेरी जिंदगी से, प्लीज। मुझे नहीं पता था कि तुमसे दोस्ती करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अगर गीता मासी को कुछ भी हो गया ने, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कबीर। अब ऐसे भिखारी की तरह खड़ा क्या है? हैं? जाने? अरे बस, अपनी औकात में रहो हिमेश, जब तक बात कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन हाथ लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता कि किसकी गिरेबान में हाथ डाल रहे हो। कबीर बाबा, चलिए यहां से। चलिए यहां से। कबीर बाबा, क्या कर रहे हो ये सब, ये क्या हाल बना दिए आपने अपने, और वो भी किसके लिए? क्या मिला आपको ये सब करके? पिया तो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती है, आप पिया के लिए अपने घर वालों को छोड़कर आ गए। वो घर वाले जो 10-10 मिनट में फोन करके पूछते रहते हैं कि कबीर बाबा ने खाना खाया या नहीं, कबीर बाबा ने ठीक से सोए कि नहीं, कबीर बाबा ने ठीक से नाश्ता किया कि नहीं, वो घर वाले। आप जितना प्यार पिया से करते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा प्यार आपके घर वाले आपसे करते हैं। आप नहीं समझ पाएंगी गंगा काकी। सही कहा आपने, नहीं समझूंगी मैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पिया आपके प्यार को कभी नहीं समझेगी।
क्योंकि वो भी मेरी तरह गरीब है ना कबीर बाबा। हम गरीबों की एक अलग दुनिया होती है, हमारी सीमा हमारी मर्यादा सब अलग होते हैं, जिसे आप कभी नहीं समझ सकते हो। देखा ना अभी आपने बिना कसूर के किस तरह सब लोगों ने आपके ऊपर दोष डाल दिया। ठीक उसी तरह हम गरीबों के साथ हर दूसरे दिन यही होता रहता है। ये दुनिया का नियम है। ये अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क ना आप बदल सकते हो और ना हम। मेहरबानी करके कह रही हूँ आप अपने घर वापस चले जाइए। प्लीज गंगा काकी, क्या कर रही हैं आप? नीता भाभी और सविता बहन की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। ठीक है, अगर पिया को लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं चला जाऊंगा उसकी जिंदगी से, लेकिन जाने से पहले हिमेश की असलियत पिया के सामने लानी होगी। मेरे प्यार का जो होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन इस हिमेश को पिया की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। बोलो गंगा बेन। बस भाभी अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कबीर के पैर क्यों ना पकड़ने पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन मैं उसे लेने जा रही हूं। लेकिन महेश भाभी, एक तरफ कबीर अपनी जिद लेकर बैठा है और दूसरी तरफ मोटा भाई अपनी हाथ नहीं छोड़ रहे। मर तो हम रहे ना बीच में। आप सही कह रही है, मैं भी आपके साथ हूं। अब चाहे हमें भी इस घर से निकाल, लेकिन मेरा बेटा कभी एक मिनट भी इस घर से बाहर नहीं रहेगा। अभी चलिए मेरे साथ। कहां जा रही हो तुम दोनों? उसके सामने गिड़गिड़ाने, उसके पैरों में नाक रगड़ने, तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? जिसके लिए ऐड दिखाकर हम सबको छोड़ के गया, उसने तो उसको छोड़ दिया ना। कहां जाएगा, यहीं आएगा घुटनों के बल चलकर। मैं बस एक बार उसे मिलकर समझाना चाहती हूँ, एक बार उसे देख लेती तो। अब जब तुमने जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो पूछ ही क्यों रही? और वैसे भी हमारे घर में कौन किसको पूछ के कुछ करता है? तुम्हारे बेटे ने मेरी नहीं सुनी तो तुम क्यों सुनोगी? मोटा भाई प्लीज, तुम्हें भाभी पर शुकाम गुस्से था उछो। वो तो सिर्फ एक बार मिलना चाहती है ना। कोई जरूरत नहीं है सविता। तुम लोगों को लगता क्या है, क्या हम लोगों को उसकी टेंशन नहीं है? अरे बेटा है वो इस घर का, बच्चा है हमारा, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं। लेकिन उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम दोनों वहां जाओगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं महेश भाई की इस बात से सहमत हूं कि जब तक कबीर इस घर में आके सबसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक किसी को भी जरूरत नहीं है उसे मनाने जाने की, उसे लेने जाने की। मेहरबानी करो मुझ पर और चले जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे नहीं पता था कि तुमसे दोस्ती करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। ए नौकरी चोर, मेरी नौकरी खा के ऐश कर रहा है तू? हाँ
जा क्या रहा है, तुझसे बात कर रहा हूं। घूर क्या रहा है बे? उस दिन तो देसाई ने तुझे बचा लिया, आज देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाएगा।